गुना से अशोक नगर का 78 किलोमीटर का रोड जब जर्जर हुआ तो यहाँ के लोगों ने तमाम सारे लोगों से उम्मीद की कि इसको पूरा सही कराया जाएगा, मगर ना तो नेताओं ने और ना ही प्रशासन ने जब इस बात की सुनवाई की तो कुछ लोगों ने इसमें आंदोलन का रुख अपनाया और अपने तौर पर आगे आए और इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए एक संघर्ष समिति बनाई कि रोड नहीं तो टैक्स नहीं। मगर हुआ ये कि इस चीज़ में कई सारी घटनाएं एक के बाद एक जुड़ती गईं और ये मामला न केवल गुना अशोकनगर की राजनीति बल्कि प्रदेश स्तर पर चर्चित है। हाल ही में हुआ ये कि गुना टोल को जैसे ही बंद कराने के लिए अशोकनगर से कुछ लोग जाते हैं उनमें से 5 लोगों पर FIR दर्ज कर दी जाती है। साथ ही अशोकनगर का जो टोल बंद किया गया था कोर्ट के आदेश के बाद उसे भी लगभग खोलने की स्थिति में आ गई है। तो इन सारी परिस्थितियों पर बात करने के लिए हमारे बीच में अभिषेक रघुवंशी और अजय जी दोनों हैं। तो पहले तो आपका स्वागत कि आप हमसे जुड़ रहे हैं। दूसरा, सबसे पहली प्रतिक्रिया कि आप पर जो FIR की गई उसको आप कैसे देखते हैं? आंदोलन के रास्ते पर और जब अपन सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें अगर FIR होती है तो स्वीकार है हमें। अजय जी, आपको नहीं लगता कि ये दोहरा मापदंड है? अगर 144 लगी है तो कुछ और चीजें भी आप बता रहे हैं कि हुई है मगर FIR सिर्फ आप पे हुई? जी हाँ, जैसे यात्रा चली थी उसमें भी कई लोग एकत्रित हुए थे लेकिन उन पर कोई FIR नहीं हुई। जब हम मतलब उसको टोल टैक्स के लिए वहाँ पर गए तो केवल 4 लोग ही जो वहाँ पर खड़े थे केवल उन पर ही FIR हुई है, लेकिन विकास यात्रा पर किसी ने कोई FIR नहीं। नहीं, वो तो उसी समय लगी है जो विकास यात्रा पहले खत्म हो गई, मगर BJP के जुलूस और दूसरी चीजें इस समय हुई है। तो आप लगता है आपको कि ये प्रशासन गुना प्रशासन का दोहरा मापदंड है? बिल्कुल दोहरा मापदंड है। 20 तारीख को आचार संहिता लगती है और 25 तारीख तक विकास यात्रा चलती है शासन की, लेकिन जैसे ही जब हम वहाँ पहुँचते हैं टोल नाके पर, और चूंकि यहाँ पर जो टोल नाका बंद हो गया था तो हमें अगले दिन ये बोला गया था कि आप वहाँ जाइए SDM साहब के यहाँ, तो आप अपनी बात रखेंगे टोल पर तो आपका वहाँ वो टोल भी सील हो जाएगा। लेकिन जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ तहसीलदार साहब होते हैं, SDM साहब होते हैं, TI साहब होते हैं, और हमने उनसे कहा कि साहब इस टोल को भी आप बंद करवा दीजिए, और जनता को फ्री हमने कराया चूँकि दोनों रास्ते खोल दिए गए थे। उस बीच में SDM साहब का ये कहना था कि अगर आप 144 का धारा का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप यहाँ एकत्रित नहीं हो सकते, तो उस बीच में हमने ये बात भी रखी कि आपकी विकास यात्रा चल रही थी और उन्होंने फिर एक हमें एक रास्ता दिखाया कि आप एक काम कीजिए, 2 दिन का समय दीजिए, इसमें हम मरम्मत करा देंगे या फिर टोल को हम बंद कर देंगे, हम अपने लौट कर अशोकनगर घर को आ जाते हैं, और 2 दिन बाद कल हमें ये पता पड़ता है कि हम पे FIR हुई। तो ये जो FIR हुई है, मगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ग्रुप पे मैं देख रहा हूँ कि आप 5-6 लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोग खुद कह रहे हैं कि हम लोग थे और FIR की जाए, तो ये क्या आंदोलन दोबारा से करने की मूड में आप? जी हाँ, हम जैसे और भी कई लोग एकत्रित थे लेकिन वहाँ पर किसी पर FIR नहीं, केवल जो अशोकनगर के हम 3 लोग और 2 लोग गुना के उन पर ही FIR हुई है। और ये जैसे रोड तो आपने देखा हो गुना अशोकनगर का, तो कितनी बुरी स्थिति है, कई घटनाएं हो चुकी है उस पर, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, केवल जो हम रोड फ्री कराने टोल फ्री कराने जाते हैं तो हम पर ही FIR कराते हैं। अच्छा, अभिषेक जी ये जानना चाह रहा था, आप जो 5-6 लोगों पर भी है तो नाम जो थोड़ा सा उनको भी बता दें जिन जिन पर हुई, और आपको क्या लगता कि इन्हीं पर क्यों हुई है, बाकी लोगों क्यों नहीं? जब हम पहुँचे तो उसमें यहाँ के अशोकनगर के कुछ साथी मेरे, ये सत्येन कलावत थे, अजय था, दिनेश रघुवंशी वहीं के थे, एक महाराज थे वहीं के, क्या नाम है, प्रमोद भार्गव जी थे, और हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमसे भी एक आ गया कि अशोकनगर के लोग आप क्यों आए हो, तो चूँकि हमारी ये मांग थी कि 60 किलोमीटर रोड जो है अशोकनगर के बीच का एरिया और हमारी सीमा लगती है, 15 किलोमीटर से उधर गुना लगता है, तो जब हम वहाँ पहुँचे तो साहब का ये कहना था कि मरम्मत अकेले इसका हल नहीं है, आप टोल बंद करा रहे हो या मरम्मत करा रहे हो, इसको हम नए नवीनीकरण करा रहे हैं। तो जब बार बार ये कहने पर कि साहब जब 2 साल से ये रोड बनी नहीं है, आप इसका रिनोवेशन भी नहीं कर रहे हैं तो क्या करें, इसका आप हल बताइए, बार बार कहने के बाद कई ऐसी एक्सीडेंट हो गए जिसमें लोगों का जाना भी हमें अच्छा नहीं लगा, बार बार कहने के बावजूद भी इसके रोड का मरम्मत नहीं हो रही थी। अच्छा ये बताएं, आपने जब आंदोलन शुरू किया था उसके पहले प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि या राजनेताओं से अपनी बात रखी थी क्या? जी हाँ, अशोकनगर में कई बार आवेदन दे चुके थे, 181 पर भी कई लोग से मतलब अपनी शिकायत दर्ज करवा चुके थे, लेकिन ना तो प्रशासन ने ध्यान दिया ना ही कोई जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया, और लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा अभिषेक जी, अब बता के आपने इस अगड़ का जो माना वाला टोल है वो बंद कराया मगर कोर्ट के आदेश से वो खुल चुका है, ठीक है ना, तो अब आगे की क्या मतलब तैयारी है उसको लेकर आपकी?
जैसे हमने जो ग्रुप बनाया था और लोगों की जन भावना है कि इस पे अपन को एक जनहित याचिका लगाना चाहिए, और इसी के लिए हम प्रयासरत थे जब तक उन्होंने ये FIR कर दिए, लेकिन हमारी पूरी बातचीत चल रही होगा। नहीं तो क्या ये FIR अब वो जनहित याचिका को रोक देगी या अपना संघर्ष आप? नहीं, हमारा संघर्ष जारी है, और 6 तारीख को हम जो है गुना सभी लोग जा रहे हैं यहाँ से, वो कह रहे थे कि आप गुना अशोकनगर से कम लोग हैं, तो हम उनको बताएंगे वहाँ जाके कितने लोग हैं। और हमारी सबसे बड़ी मांग तो ये है कि इस बीच में जितने एक्सीडेंट हुए हैं, जितनी मौतें हुई हैं, उनके परिवार के लोगों को वहाँ लेके जा रहे हैं और उनसे वहाँ पे FIR कराएंगे, या तो ठेकेदार के खिलाफ कीजिए, और इस रोड के जिम्मेदार कौन है उन पे FIR कराने का हमारा। अच्छा, आपको लगता क्या है कि ये हो क्यों नहीं रहा, कारण क्या है? जनप्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप जिस कोई दबाव है उन पे, आपको क्या लगता है कोई दबाव है किसी कारण? निश्चित रूप से हो गई, जब इतने सुनने में ऐसा आ रहा है बहुत बड़ा ठेकेदार है, वो किसी की सुनता नहीं है, जनप्रतिनिधि क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? हमारा बार बार उनसे कहना ही यही है, और मैं तो ये कह रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से 2 साल से लगातार प्रयास करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग ही होंगे, लेकिन समाज सेवी लोग आपके पत्रकार साथी हैं, आपके यहाँ के अशोकनगर के भी हैं, ईसागढ़ के भी, सभी लोगों ने लगातार आवाज़ उठ रही है, लेकिन जब आखिरी में ये लगा कि नहीं, इसको सभी को उठाना चाहिए, चूँकि हम एक किसान संगठन चलाते हैं, तो उसमें जो किसानों की जो एक्सीडेंट में मौत हुई और सभी लोगों ने कहा। नहीं तो आपने जब शुरुआत की थी तो कुछ जनप्रतिनिधि या राजनेताओं से आपने बात नहीं की कि इस तरह से हम समस्या है, आप लोग उसमें साथ आइए? जब जनप्रतिनिधि अगर इस शहर के ही हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो देखते ना हो सोशल मीडिया को और जनता की आवाज़ को ना सुनते हो, देखते हो, तो उनको तो पता है सब कुछ, और हमने भी कई बार प्रयास किया भाई साहब इस रोड को डलवाएं, और कई बार लोगों ने यहाँ उनसे निवेदन किया है, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब जनता को नहीं, तो अब ये संघर्ष अलग अलग रहेगा आपका कि एक साथ गुना और अशोकनगर टोल दोनों को लेकर रहेगा, या पूरा फोकस सिर्फ गुना पे करेंगे? नहीं नहीं, पूरा ईसागढ़ से लेकर आपके गुना तक जो 78 किलोमीटर रोड है उसको पूरे का हमारा रहेगा ये, तो इसको लेकर जनहित याचिका लगाएंगे और गुना में एक आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, गुना में आंदोलन करेंगे और जनहित याचिका लगा ही रहे हैं हम लोग। तो ये आंदोलन किस तरह का हुआ? आप एक FIR करा रहे हैं, तो कहाँ करेंगे, कैसा क्या बनाया उसका? कैंट थाने में पहुंचेंगे हम, और सबसे पहले तो उन्हें धन्यवाद देंगे और FIR करने के लिए, कि आपने, चलिए ये कम से कम ये दर्शा तो दिया कि जनता अगर कोई मुद्दा उठा रही है और आप उस पर FIR कर रहे हैं, तो हम आपको धन्यवाद देंगे। चलिए आप इस पर धन्यवाद के पात्र हैं कि आप पे FIR करके आप ये जता रहे हैं कि ये बात सही नहीं है, जबकि जनता को सब कुछ पता है। अच्छा, ये बताइए, जब आप पे FIR हुई तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? लोगों की ये प्रतिक्रिया थी कि हमारे ऊपर जो FIR हुई वो बहुत गलत हुई है, जो मतलब आवाज़ जो हमने लोगों के लिए उठाई थी, जनता के लिए, तो वो सब लोग मतलब ये आश्चर्यचकित हैं कि ये किस तरह का वो है शासन प्रशासन का कि आप लोगों पर FIR किस कारण हुई है। तो आपको लगता है ये गलत हुई है? बिल्कुल गलत हुई है। तो क्या FIR वापसी की मांग करेंगे या कानून? नहीं, हम 6 तारीख को हम सब लोग जाएंगे, जाके हम अपनी गिरफ्तारी देंगे। आप गिरफ्तारी? बिल्कुल, गिरफ्तारी देने ही जा रहे हैं। तो आपके अलावा भी कुछ और जिसमें अन्य लोग लिखे हैं, तो वो अन्य भी जो है उसमें नामजद होने वाले हैं क्या? क्योंकि आप देखेंगे सोशल मीडिया पे लोग, जो प्रशासन भी कह रहे हैं कि इसमें लोग कम थे, लेकिन देखने में भले ही कम लग रहे हो वहाँ, लेकिन अशोकनगर से जब लोग जाएंगे जो जनता की आवाज़ है, उस दिन जितने लोग थे क्या वो सब के सब, चूंकि वायलेंस तो सबने किया, धारा 144 सबने जो है तोड़ी है, तो क्या वो सब लोग उसमें? बिल्कुल, सब लोग जा रहे हैं पूरे, सब, तो उसमें सब लोग गिरफ्तारी देंगे? बिल्कुल, सब लोग गिरफ्तारी देंगे। चलिए, तो सड़क को लेकर बना ये संघर्ष जो है अब बड़ा रूप लेने वाला है, और गुना और अशोकनगर दोनों जिले की राजनीति और यहाँ के जो दूसरे हलके हैं उनमें घमासान करने वाला है। 6 तारीख को ये आंदोलन किस तरह का होगा उसके लेकर जो है आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।